मुल्तान के बाद रुक करते हैं सरगोधा का, जहां सरगोधा में सलाना पुलिस इंटर रीजन हॉकी टूर्नामेंट 2022 का फाइनल सरगोधा ने जीत लिया। तफसीला जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे ताहिर मसूद राणा की इस रिपोर्ट में। महकमा पुलिस में सेहतमंदाना सरगर्मियों की हौसला अफजाई और खेलों के फरोग के लिए आईजी पंजाब राव सरदार अली के अहकाम की रोशनी में सलाना पुलिस के 2022 के सिलसिला में आल पंजाब पुलिस इंटर रीजन हॉकी टूर्नामेंट का इनका सरगोधा में किया गया। टूर्नामेंट में डीजी खान, फैसलाबाद, शेखपुरा, लाहौर और सरगोधा रीजन की टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच सरगोधा और लाहौर रीजन की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें सरगोधा रीजन पुलिस की टीम ने सख्त मुकाबले के बाद लाहौर रीजन पुलिस की टीम को एक गोल के मुकाबले में दो गोल करके फाइनल का टाइटल अपने नाम कर लिया। इस मौके पर खेल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद हर साल होना चाहिए। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी आरपीओ सरगोधा डीआईजी फैसल राणा ने फर्स्ट और सेकंड आने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। पहले नंबर पर आने वाले सरगोधा रीजन की टीम को ट्रॉफी और मेडल, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले लाहौर रीजन की टीम को ट्रॉफी और मेडल दिए गए। इस मौके पर आरपीओ सरगोधा फैसल का कहना था कि खेलों की अहमियत से किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने जीतने वाली टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा, बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग तशरीफ लाए हैं। आज हमारा जो पंजाब पुलिस हॉकी चैंपियनशिप थी उसका आज इख्तिताम था। 10 तारीख को ये शुरू हुआ था। पूरे पंजाब में इस वक्त जो है वो खेलों का इनेकाद किया जा रहा है पंजाब पुलिस की तरफ से, और यहाँ पे भी जिस आपने देखा सरगोधा पिछले 2-3 दिनों में तमाम रीजन्स, मुल्तान, शेखपुरा, फैसलाबाद, लाहौर, हर जगह से टीमें आई, डीजी खान से टीम आई और उन्होंने आके इधर अपना खेल मुकाबला किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज फाइनल सरगोधा लाहौर के बीच में था और सरगोधा ने 2-1 से जो है वो फतह हासिल की। आप सबको भी मुबारक हो कि सरगोधा जो है वो नंबर 1 पे आया। अच्छा सर, यहाँ एक तरफ ये कौमी खेल की बाली के वाले से सरगोधा पुलिस बढ़ चढ़कर सामने आ रही है, हॉकी के मुकाबले करवाए जा रहे हैं, जहाँ एक तरफ ये खेल जा रही है भाई सरगोधा शहर बन में जो कातिल खेल पतंगबाजी वो भी जा रही है, तो इसकी रोकथाम के वाले से गुजरे रोज एक बंदा मरा, तो अब तक क्या कहना? बिल्कुल उस पर क्रैकडाउन जारी है, DPO साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ है, ना हक एक जान जो है वो गई है। इस पर क्रैकडाउन हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि आप मीडिया के थ्रू लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करें कि जो केमिकल डोर है, जो नायलॉन की डोर है, उसको इस्तेमाल ना किया जाए, पतंगबाजी ना की जाए, लोगों के गले कट जाते हैं, लोग छतों से गिर के उनकी टांगें टूट जाती हैं, तो इस किस्म के खेल से जो है वो इज्तनाब किया जाए। थोड़ा सा आज हुआ ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद से पुलिस फोर्स के जवानों में मुस्बत और सेहतमंदाना सरगर्मियों का फरोग होगा। इन मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की बेहतरीन हौसला अफजाई की गई। कैमरामैन बाहिर गुल के साथ ताहिर मसूद राणा, बिग न्यूज सरगोधा। सरगोधा रेंज फयाज साहब की सरपरस्ती काफी मेहनत करके 5 दिन के अंदर विन किया है और गुजारिश है अफसरान से भी कि वो टीम को स्पेयर किया जाए ताकि ये टीम बेहतर हो सके और नए लड़के भर्ती किए जाएं और ऐसे टूर्नामेंट का इनकार किया जाए ताकि नर्सरी चल सके। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह मुल्क भर में हॉकी की बदहाली है उसकी मेन वजह है कि नर्सरी ख़त्म हो गई है, स्कूल लेवल पर भी ख़त्म हो गई है, डिपार्टमेंट की हॉकी ख़त्म हो गई है। अगर डिपार्टमेंट को भी ऐसे चलाया जाए, नए लड़के भर्ती किए जाएँ, यंग लड़के, ये हॉकी इंशाल्लाह चलती रहेगी। जो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि सरगोधा पुलिस हॉकी टीम ने फाइनल खेला है और एक गोल खसारे में जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह टीम की कम्बिनेशन से और बहुत अच्छा टफ टाइम दिया और 2 गोल हमने उतारे हैं और विन किया है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और हमारी टीम में एक स्पिरिट नज़र आई है। बिल्कुल होना चाहिए, हमें अफसोस है कि हम ड्यूटियों से आए हैं, तो इस तरह का इनकाद हर साल होना चाहिए ताकि सरगोधा पुलिस में सभी टैलेंट मिल सके और पाकिस्तान का वकार बुलंद हो सके। लगा दो शोर, मचा दो शोर की दुनिया हिलजुल जाए, हाथ ऊपर करके बोलो ये खेल ही मन को भाए, दिल की पुकार है यही प्यार है, अब झूम के बोलो तुम, जज्बा अंगार है तैयार है, ललकार के बोलो तुम, चल जोश दिखाते तू और बाजा बजाते तू, मैदान सजाते तू ये खेल दीवानों का, चल जोश दिखाते तू और बाजा बजाते तू, मैदान सजा दे तू ये खेल दीवानों का, बाजीगर कहलाएगा जो हार को जीत बनाए, धड़के जो तेरे सीने
न कभी घबराए। तेरी मेरी रगों में जो खून दौड़े है, ये है वो गेम मेरे दोस्त जो दिलों को जोड़े है।